इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड सिविल लाइन ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया 9415059458। सीनियर मैनेजर सरत कुमार जैन मलैया 7080732808। पौराणिक स्वाध्याय विलायाम श्री लक्षणा स्वाध्याय विलायाम ताई श्रवण करो। नमो अरिहंतार्णम् नमो सिद्धार्णम् नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सर्वसाहूणम् पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य एलक श्री 105 धैर्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु, वंदन करता हूँ। पूज्य श्री राजीव जैन शिवरार्थी अमर पाटन से मेरे आराध्य गुरुदेव नमन। महाराज श्री, हास्य कसाय की उत्पत्ति कैसे होती है? कौन सी? हास्य कसाय। हास्य, हास्य कसाय की उत्पत्ति होती है जब किसी को नीचा दिखाना पड़ता है नियम से, क्योंकि हंसी उसके बिना आ ही नहीं सकती। तो ऐसा परिणाम जिसके मन में आता है तो हंसी की स्थिति बनती। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, विद्वान और बुद्धिमान प्रायः दोनों शब्द एक से लगते हैं, लेकिन वास्तव में विद्वान व बुद्धिमान एक दूसरे के विपरीत हैं। विद्वान आवश्यक नहीं है कि बुद्धिमान भी हो,
या प्रत्येक बुद्धिमान विद्वान बने, यह भी ठीक नहीं है। महाराज जी, बुद्धिमान और विद्वान में क्या अंतर है? विद्वान एक डिग्री है, विद्वान एक निश्चित किया हुआ कोर्स करने वाला विद्वान है। वर्तमान की भाषा में बता रहा हूँ, जो प्रोशन करके जानता हो, जो दूसरों को शिक्षा देता हो, जो कम से कम इतना ज्ञान प्राप्त हो, वह वर्तमान में विद्वान कहलाता है, शास्त्री आचार्य आदि किया हुआ। बुद्धिमान जो है, विवेकमान को बुद्धिमान कहते हैं, जो सदा अपना विवेक रखता है। ज्ञान तो नहीं है, शास्त्रीय ज्ञान तो नहीं है, लेकिन विवेक बहुत है। तो ये वर्तमान की परिभाषा है। आगम के अनुसार विद्वान तो वस्तुतः मुनि को ही कहा जाता है। पंडित शब्द जो है, गृहस्थों के लिए पंडित का उपयोग नहीं है, पंडित शब्द मुनि के लिए किया जाता है। तो वास्तविक पंडित तो मुनि ही होते हैं। और सामान्य रूप से जो विद्वान जो शब्द बना है, तो वह अपने आप में विवेकवान और बुद्धिमान और विद्वान में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। शास्त्रीय भाषा में तो दोनों एक ही शब्द के रूप में प्रयोग किए। विकास जैन शास्त्री, कटनी, मध्य प्रदेश। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जिज्ञासा यह है कि क्या हम प्रतिदिन ओम ह्रीम नमः के मंत्र की माला फेर सकते हैं? ओम ओम ह्रीम नमः फेर लिए ना, कोई बात नहीं। शुभम जैन टीकमगढ़ से। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है, आपने एक दिन प्रवचन में बताया था कि डिप्रेशन से जो लोग परेशान हैं, उन्हें 12 भावना पढ़नी चाहिए। महाराज जी, 12 भावना जिनवाणी में 2-3 प्रकार की है, तो हमें कौन सी पढ़ना चाहिए? जिन मन लग जाए वो पढ़ लेना चाहिए। सब 12 भावना का भाव एक सा ही है। कमलेश जैन इमलिया दमोह मध्य प्रदेश। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपने अनुशासन के बारे में बताया था, क्या हम अपने दुकान आदि में भी अनुशासन रख सकते हैं, तो किस प्रकार से? अनुशासन तो किसी भी रीख में है, अनुशासन का अर्थ तो कोई नहीं। अनुशासन का अर्थ है जिस कार्य की जो विधि बताई गई है, उसी विधि के अनुसार कार्य करने का नाम अनुशासन है। अनु आने पीछे, शासन आने चलना, उसको बोलते हैं अनुशासन। तो किसी के पीछे चलना, विधि के पीछे चलना, जो जहाँ के नियम हैं उनका पालन करना ही अनुशासन है। खाने में अनुशासन, सोने में अनुशासन, व्यापार में अनुशासन, जितनी भी क्रियाएं हैं, संपूर्ण क्रियाओं में अनुशासन का प्रयोग किया जा सकता है। अर्पिता थांदला से। नमोस्तु गुरुदेव। भक्ति बड़ी है कि समर्पण? समर्पण के बिना भक्ति कैसे आएगी? भक्ति हो, समर्पण हो, ऐसी को दोनों में अलग अलग नहीं है। जो वास्तविक भक्ति है, समर्पण के बाद भक्ति प्रकट होती है। समर्पण कारण है, भक्ति कार्य है। भक्ति तो उसके बाद जब व्यक्ति पूर्ण समर्पित हो जाता है, तब उस समर्पण के साथ भक्ति उद्भूत होती है। इसलिए समर्पण कारण है, भक्ति उसका कार्य है, ऐसा कार्य कारण संबंध जानना चाहिए। दूसरी जिज्ञासा है, नियम बड़े हैं कि भावना? नियम बड़ा होता है, क्योंकि भावनाएं तद्रूप फलीभूत हों या कोई जरूरी नहीं है, लेकिन नियम यदि है तो वह नियम फलीभूत होता है। मुनि बनने की भावना है और मुनि बनने का नियम ले लिया, भावना से गुणस्थान नहीं बनेगा, नियम से गुणस्थान बनता है। भावना से मोक्ष नहीं मिलेगा, नियम से मिलेगा। कोई भी कार्य है, भावना है, भावना तो सबकी होती है, लेकिन भावना में तद्रूप कार्य हो ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन नियम यदि सच्चा है तो वो तद्रूप कार्य करेगा। नियम को बड़ा मानना चाहिए। जिनेंद्र कुमार जैन, मेरे आराध्य गुरुदेव को नमन। महाराज श्री, सुआ व सूतक काल में
जिन मंदिर जी में पिछली बोली की राशि जमा करवा सकते हैं? करवा सकते, कोई बात है। दुनिया में एक ही चीज तो है जिसको सुआ सूतक नहीं लगता है, जिसका नाम है रुपया। कुमारी माया जैन महाराष्ट्र से, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, कोई बीमार मनुष्य बेड पर नमोकार महामंत्र बोल करके उच्चारण कर सकता है? कर सकता है। ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः मंत्र की जाप बोलकर कर सकता है? कोई दोस्त तो नहीं लगेगा? अब अवस्था देखना पड़ेगी, नहीं बेड पर है। अवस्था क्या है, किस अवस्था में वो पड़ा हुआ है, कितनी मजबूरी है, नहीं तो पता चले कि सब सोते ही सोते माला फेर में लग जाए। तो इन सी चीजों के नियम नहीं बनाए जाते, परिस्थितियां देखी जाते। परी जैन बीना से, नमोस्तु महाराज जी, मेरे पूपा जी अभी 20 दिन पहले शांत हुए और बड़े पापा ने रथ में बैठने की बोली ले ली और जैसी आरती की थाली सजा रहे थे उसमें सांप आ गया, तो ये महाराज जी कोई होनहार के सूचक है क्या? संकेत तो कुछ ना कुछ मिलता ही है, कोई ना कोई संकेत तो है जो। संजय कुमार जैन दिल्ली से, महाराज श्री के चरणों में कोटि सा नमन। महाराज जी, मैंने पूजा करनी शुरू की है, पहले हर जगह फिल्मी गानों की धुन आती थी, अब हर जगह पूजा की धुन आती है, सब जगह तो कोई बात तो नहीं है, सोच में भी आनी। तुम्हारी मस्तिष्क की कमजोरी है तो इस प्रकार की धुनी आपको आती रहती है, थोड़ा सावधान रहो, कहीं ज्यादा धुन आने लग जाए तो पागल नहीं हो जाना, इसलिए थोड़ा कंट्रोल करो, धुनी कम आना चाहिए। राजेश्री पाटिल कुंभोज कोल्हापुर, नमोस्तु गुरुदेव, महाराज श्री दशांग धूप कैसे तैयार करना चाहिए, उसकी विधि कहीं पता चल सकती है क्या? दशांग धूप में अष्टांगी धूप होती है, दशांगी भी कहते हैं, तो 10 प्रकार की चीजें जिसमें मिलती हैं, वो पूरी 10 तो मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन यही है, अगुरु चंदन है, लकड़ी है और आदि जो हैं ये मिल जाएगी। अष्टांगी और दशांग धूप कोई से भी पूछ लेना, कठरिया की दुकान हो ना, कठरिया की, हाँ कठरिया दुकान वाले से पूछ लेना, वो बता देगा कि दशांगी और अष्टांगी क्या है। राकेश पोखरना बेंगलोर, नमोस्तु गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा है, मैं 13 पंथी हूँ, क्या मैं मंदिर में पूजा कर सकता हूँ, पूजा करने से कोई दोष तो लगता है क्या? पोखरना। अब इस संबंध में जो तुम्हारी स्थितियाँ हैं ये विचारनी है, परिस्थितियों को देख करके विचार किया जाएगा, पहले आपको जिसकी पूजा करना चाहते हो वो तुम्हारा कौन है, यदि देव है तो फिर अन्य देवों को मानने का त्याग करो, यदि गुरु है तो त्याग करो, यदि करना चाहते हैं तो फिर घोषणा करो यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा देव है, हम अन्य सबका परित्याग करते हैं। पहले सब त्यागना पड़ेगा, स्वयं ही त्याग नहीं, परिवार का भी त्याग करना पड़ेगा, फिर पूर्णतः किसी भी धर्म को मानने के अर्थ है कि हम उसको मानना चाहते हैं तो उसको पूर्ण सत्य मान के मानो और फिर जाकर के संपूर्ण परित्याग करो। 2 नावों में सवार होने वाला व्यक्ति कभी किनारे नहीं लगेगा, 2 नावों में सवार मत हो, एक को मानो, एक साधन सब सदें, सब साधें सब जाएं, 7 मामाओं का भांजा भूखा सोवे, इसलिए पहले निर्णय करो कि तुम जिसकी पूजा करना चाहते हो क्या वही अंतिम सत्य है, क्या वही अंतिम देव है, क्या वही अंतिम धर्म है, क्या वही तुम्हारी जिंदगी का अंग बन गया है, ऐसा पहले संकल्प करके संकल्पित होइए, फिर बाद में इन सब बातों पर चर्चा की जा सकती है। राजीव जैन शिविरार्थी अमर पाटन, मेरे आराध्य गुरुदेव को नमन। महाराज श्री, दिव्य ध्वनि श्रवण करने के बाद क्या मिथ्यात्व रह सकता है? रह सकता, ऐसा
कई आचार्यों के मत हैं कि ये जीव अनंतों बार समोषण में जाकर भगवान की वाणी सुन के आया, फिर भी वह मिथ्या दृष्टि रहा। मारीच के संबंध में भी ऐसा कहा जाता है कि मारीच भी भगवान के समोषण में गया, उसके बाद वह इस प्रकार के थे। तो हो सकता है कुजित का जाते थे, एक आचार्य ऐसा भी मानते हैं कि समोषण के अंदर सम्यक दृष्टि ही जाता है, मिथ्या दृष्टि नहीं जाता। तो उनके मत के अनुसार तो स्पष्ट हो गया, लेकिन अन्य आचार्यों ने मिथ्या दृष्टि को भी समोषण में जाने की बात कही है। शुभम जैन जयपुर से, नमोस्तु गुरुदेव, कुंडली में नाड़ी दोष का क्या समाधान हो सकता है महाराज जी जैन आगम के अनुसार? नाड़ी दोष तो वैद्य का दोष है, वैद्य का काम है, वैद्य से पूछो। कुंडली में नाड़ी दोष है, ये किसी ज्योतिषाचार्य से पूछो। जो जैनागम के अनुसार हम क्या करें जैसे भटके? जैनागम के अनुसार तो एक ही है, संपूर्ण दोषों का नाश करने वाला नमोकार मंत्र है। समस्त दोषों किसी चक्कर में मत पड़ो, मल्टीपर्पस है ये नमोकार मंत्र, जहां फिट करो वहीं लग जाता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। दुनिया के मंत्रों में साइड इफेक्ट है, कहीं बोलने में थोड़े बहुत चूक गए पागल हो जाओगे। ये बीजाक्षरों वाले जो मंत्र होते हैं इनको बहुत सावधानी से पढ़ा जाता है। नमोकार मंत्र ऐसा है, इतना प्यारा है, लुढ़क भी जाओ और लुढ़क करके फिर नमोकार, नमोकार मंत्र के ठीक बेटा कोई बात नहीं, सो जा बारे वीर, फिर सोने के बाद फिर लेना मारा। नमोकार मंत्र बहुत इतना अच्छा मंत्र है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। सुस्तो दुस्तो पिबा पवित्रा पवित्रो वा सुस्तो दुस्तो पिबा ध्यायेत पंच नमस्कार सब आप प्रणश्यते। तो यही ठीक है, बाकी सब थोड़ा। शिवराती राकेश जैन गुना से, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मैं शिविर से लौट करके ऊर्जा से भरकर आया हूँ, मेरे परिवार जन उस ऊर्जा का लाभ लेना चाहते हैं, मैं उसको किस प्रकार से ऊर्जा का लाभ दें? कहाँ से? गुना से आए। ऊर्जा का लाभ कैसे दें? शिविर से ऊर्जा लेके गए हैं, तो शिविर का ऊर्जा का लाभ हम परिवार जनों को कैसे दें? जो नियम तुमने लिए हैं वो नियम परिवार वालों को दे दो, यही सब तरीका है, नहीं तो तुम बांट दे बोलो लो ऊर्जा पकड़ो। हाँ कई लोग ये कहते हैं मैं ऊर्जा लेके आऊँ, तो ऊर्जा पकड़ो। हाँ महाराज मैं महाराज का आशीर्वाद लेके आया, नमोस्तु करो जल्दी, नमोस्तु। यदि मैं तुम्हें कहूँ कि आशीर्वाद ले जाओ उसके लिए, तो तुम क्या करो? पहले भाई तुम नमोस्तु कर मुझे और ये हाथ उठा के ठोक देना, नहीं कर सकते। ऊर्जा ऐसे ट्रांसफर नहीं होती, ऊर्जा का ट्रांसफर होने का अर्थ है कि जो नियम तुमने लिए हैं वही नियम उनको दे दीजिए। दीपक के समान ऊर्जा दो, दीपक दूसरे दीपक को ऊर्जा नहीं देता अपनी, दीपक उस दीपक को छूता है तो वह दीपक अपने आप जल जाता। दूसरे दीपक को जला दो, ऊर्जा मत दो, उसको स्पर्श करो, उसको वो नियम दे दो जिस नियमों से तुमने ऊर्जा पाई है। आजकल लोग देने में पता नहीं कितना आनंद आता लोगों को, कई लोग यही सोचते हैं मेरे पास जो मैं किसी को दे दूं, अरे है तो दे दो, यूं किए जा रहे। लोगों को देने में बहुत मजा आता है और यही विद्या का नाश है। विद्या दी नहीं जाती, विद्या की साधना बताई जाती, विद्या नहीं दी जाती, विद्या की साधना बताई जाती। मोक्ष दिया नहीं जाता, मोक्ष मार्ग बताया जाता है, ये रास्ता है। तो इसी प्रकार ये जो ऊर्जा आदि देना है ये दी नहीं जाती, ऊर्जा प्राप्त करने का तरीका बताया जाता है। सागर जैन मेरठ से, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री आजकल यात्रा पर बहुत अधिक समूह बनने लग गए हैं, 200 250 300 लोगों के समूह यात्रा पर जाते हैं, पर महाराज जी वो यात्रा पिकनिक में बदल जाती, बस ट्रेन में ताश खेलते हुए डांस करते हुए यहाँ उधर की फिल्में देखते हुए लोग जाते हैं। महाराज जी आप सही बताएं यात्रा किस प्रकार से करनी चाहिए, चाहे अकेले करें चाहे समूह में करें? दो प्रकार की यात्रा, पहली यात्रा तो है धर्म ध्यान पूर्वक होना चाहिए,
घर से ही धर्म ध्यान की वातावरण बनना चाहिए, विनती है भक्तांबर है, धर्म का वातावरण बनना चाहिए। ऐसा कहा है कि मंदिर और तीर्थ क्षेत्र में एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते हजारों गुना पुण्य लगता है, एक ऐसा किसी ने लिखा है। घर से निकलते इतना गुना, एक कदम बढ़ाते इतना गुना, इतना जैसे जैसे निकट आता जाता है पुण्य गुणकार बढ़ता जाता है। कब? जब वो निरंतर धर्म ध्यान करता रहे। अब दूसरी बात, यदि मान लीजिए वो कोई लोग ऐसे हैं कि आप यहाँ पिकनिक को नहीं जाने दोगे तो मैं होटल में जाऊँगा, तो कहूँगा भैया यहीं मना ले, यहीं मना ले पिकनिक, क्योंकि यहाँ तो वो खान पाने की मस्ती करेगा, वहाँ तो पता नहीं साइड में, और यहाँ तो खाने की पिकनिक मनाएगा, वहाँ तो बोतल की पिकनिक भी मना देगा। तो फिर आज के समय जो जिस युग से बदल रहा है, इस युग में यदि हम थोड़ा सा मनोरंजन नहीं मिलाएंगे तो फिर वो रुचि लेने वाले नहीं। आज व्यक्ति क्योंकि पंचम काल है पूर्ण धर्मात्मा नहीं बन सकता, बस उन्हें थोड़ा सा मनोरंजन चाहिए, यानी रंगारंग कार्यक्रम चाहिए, थोड़ा रंग भी हो और थोड़ा रंग भी हो। थोड़ा मनोरंजन के बिना आज नहीं चलेगा। यदि खान पान को हम उदासीन कर दें तो कोई नहीं जाने वाला। इसलिए आपने देखा है जिस कार्यक्रम में भोजन की व्यवस्था हो जाए तो है, और भोजन की व्यवस्था नहीं हो तो ये सब चीज़ें समझो। कम से कम वो धर्म क्षेत्र में है तो भोजन संबंधी पिकनिक मनाएगा, बोतल संबंधी पिकनिक नहीं मनाएगा। इसलिए ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात सुधा कलश चैनल, जिनवाणी चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, पूज्य इलक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान जिनेन जैन कामरेड, और इसके बाद तैयार रहें बाल ब्रह्मचारिणी सविता दीदी जी पिंडरी। महाराज श्री महानुभाव, आज हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्तित्व पधारे हैं जिन्होंने, जो कि श्रम संस्कृति संस्थान के मूल स्तंभ हैं और जिन्होंने इस संस्थान के लिए ना केवल तन मन और धन समर्पित किया बल्कि अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। संस्थान की प्रगति में जब ये दानदाताओं के समक्ष गए तो उन दानदाताओं ने इनको कई प्रकार के अपशब्द भी कहे, लेकिन उन अपशब्दों को सुनकर के इनका मन हतोत्साहित नहीं हुआ बल्कि इनका समर्पण दिन दूना रात चौगना बढ़ता गया और आज श्रमण संस्कृति संस्थान आकाश की अनंत ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसे श्रीमान हमारे संस्थान के पूर्व महामंत्री श्रीमान महावीर प्रसाद जी पहाड़िया आज हमारे बीच में है, हमारे पंचायत समिति के, हमारे अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र के प्रबंधक महोदय श्रीमान राजन जी थनवारा जी, श्रीमान पंकज जी पार्षद जी, श्रीमान हमारे जिनेन जी डिस्को भाई साहब और भी श्रीमान सीलचंद जी दाऊ, आप सभी से निवेदन है ऐसे महान व्यक्तित्व का हार्दिक अभिनंदन स्वागत हम यहाँ पर करेंगे और पूज्य श्री के समक्ष श्रीफल अर्पण कर वो आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे समान संस्कृति जब कोई दुकान अच्छी चल जाती है ना तो अनेक लोग कहने लग जाते ये दुकान हमने चलाई, ये दुकान हमने चलाई, और उनके पीछे से चमचा होते हैं, वे बार सब निकालना शुरू करते हैं। संस्थान को मूल मेहनत करने वाले ये हैं, इनकी शक्ल देख लो, जिनके जिन्होंने आज तक कभी नहीं कहा कि मैंने संस्थान को शुरुआत की है। और आजकल लोग सब अपने अपने चमचों को तैयार करते हैं, कहो संस्थान को मैंने शुरू किया था, पहले करो मैंने शुरू किया था। अरे शुरू किया था तो 96 के पहले क्यों नहीं शुरू हुआ? हाँ अभी एक चलता है बार, बोले कोई उन्होंने शुरू किया था, सब बोले उन्होंने किसी ने शुरू नहीं किया, सब मक्खियाँ भगाते बैठे थे। किसी दिन सुनाऊंगा कहानी है सब। आजकल बहुत गड़बड़ होने लगा, कई लोग जो हैं संस्थान के संबंध में, फलाने ने शुरू किया था, वो फलाने ने पहले इसकी शुरुआत की थी, इसका शुरुआत अभी मैं दुनिया में बैठा हूँ, जो आँखों देखी और क्या अनुभव देखी कैसे शुरू हुआ था। और व्हाट्सएप निकाल रहे हैं सबको निकालना, तो व्हाट्सएप मैंने कि सब इकट्ठी हो जाना तो फिर बताऊंगा एक आदर
लोगों ने कहा महाराज जी ऐसा कह रहे हैं संस्थान को किसने शुरुआत की। मैंने कहा अभी 10-25 बार साहब होना ना दो, क्योंकि एक व्यक्ति का कथन है, एक किंगांग नाम का पहलवान था, वो सबसे पहले पिटता था जम के, और जब सामने वाला पीट पीट के थक जाता था 2 मिनट में पलट करके जीत जाता था। तो हमने कहा थोड़े बार से भी इकट्ठी हो जाना दो, इन सबके चेहरे तो देख लूँ कि कौन कौन से चेहरे हैं जो संस्थान के प्रति ऐसा कर रहे हैं, जो ऐसा कह रहा है संस्थान मैंने शुरुआत की, उनके चमचे लोग बोल रहे हैं इन्होंने शुरुआत की, उनका नाम आना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए, उनको फिल्म में आना चाहिए था, इन्होंने किया था, किसी ने एक फिल्म का कहकर शायद फिल्म हुई गई इनको, ये सब लोग अपने इनके चमचों के सबके चेहरे सामने आ जाए, फिर एक दिन करूँगा इसका भंडाफोड़ कि सत्य क्या है। और ये देखो इन्होंने जो भीख मांग मांग करके सुमन संस्कृत संस्थान को पैरों पर खड़ा किया, ये है आपके सामने महावीर पहाड़िया। इन्होंने कभी नाम नहीं चाहा, इन्होंने अपने कोई चमचे पीछे से पैदा नहीं किए कि देखो हमें कोई ऐसा आया हुआ तो देखो तुम ऐसा करना, और साइलेंट होकर के काम किया है ऐसा आशीर्वाद में। और आज महाराज श्री, और देखो इन्होंने एक सबसे बड़ी काम की है कि इन्होंने अपना भतीजा, इनके रिटायरमेंट होते इन्होंने खुद कहा अब महाराज जी मैंने तो जो करना था कर दिया, मेरा परिजा प्रमोद पहाड़िया को सौंप करके इस संस्थान को सैकड़ों साल के लिए आगे बढ़ा दिया। इन्होंने तो जन्म दिया था और आगे बढ़ाने का इन्होंने अपना भतीजा सौंप करके बहुत बड़ा काम किया, और ये दो शक्तियां सामने आई हैं, प्रमोद पहाड़िया और एस के जैन साहब, जो संस्थान को इतनी ऊंचाइयां देने में लगे हुए हैं, और मुझे लगता है ऊंचाइयां पहुंच जाएंगी। महावीर पहाड़िया आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। सभी लोग माला पहना करके उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे। हमारे श्रवण संस्कृति संस्थान के युवा विद्वान संजीव जी शास्त्री महाराज श्री, श्रवण संस्कृति संस्थान के जितने विद्वान हैं उन सबका समर्पण प्रत्येक पदाधिकारी के प्रति और प्रत्येक जिन्होंने भी हम लोगों की सबकी सेवा की है उन सबके प्रति समर्पण अनन्य है, अटूट है। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान जो फिल्म दिखाई गई वो पूर्णतः सत्य है, जो उसमें दिखाया गया वो पूर्णतः अक्षरतः सही है, उसमें कहीं भी यहाँ वहाँ की नहीं, मैंने पूरा समझ लिया, सही दिखाया गया, पूरा सब कुछ सही है, वही यथार्थ संस्थान की कहानी है। कुछ चीज़ें जो है मर्यादा की दृष्टि से उन्होंने फिल्मांकन नहीं किया, क्योंकि वो संस्थान की उत्पत्ति कुछ ऐसे ढंग से हुई थी जो ढंग फिल्मांकन न करके उन्होंने उसको सभ्यता का रूप ले लिया, लेकिन वो फिल्म बहुत सही है, सही सत्यार्थ रूप से उस फिल्म में किया गया है, उसमें एक अक्षर भी आगे पीछे गलत नहीं है। कोई उसके संबंध में कोई वार्सअप निकाले तो भ्रामक मानना, वो संस्थान द्रोही है, विद्रोही है, और या किसी का चमचा है। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान जिनेंजन कामरेड, तैयार रहेंगी बाल ब्रह्मचारिणी सविता दीदी जी पंजे। नमो तुम्हार, नमो तुम्हार, नमो तुम्हार। महाराज ये अभी बात कर रहे वहां की साया ने भी, अभी हमारा बच्चा दर्द दर्द से दर्द लोगों को बोलेंगे कार्यालय को लेके गया गया था। आराम से बोलिए, आराम से बोलिए। चलो कोई बात नहीं, बाद में आराम से जिज्ञासा कर लीजिएगा दीदी। आप नाम है इनका, उरी नाम है बुद्धू चंद। ठीक है अब तुम दूसरे से बुलवा दो अपनी संख्या, दूसरे को बता दोन में आए थे आपने उसमें ठीक है। अब ऐसा करो किसी को बता दो वो बता देंगे। पूछ रहे दीदी जी आप पूछे जिज्ञासा करें, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान मुकेश जी नेता। वकील साहब बता दो, वकील साहब हाँ हाँ ठीक है, वकील साहब को दे दो बता देंगे आप। चलो हाँ बोले, सुन लो जब तक सुन लो, हाँ बोले आप लोग करें आगे जिज्ञासा। हाँ ठीक, इनका कहना यह है महाराज जी कि सौरीपुर क्षेत्र में भगवान नैमिनाथ जो हुए हैं उनके नौ भाई थे,
दो बहनें थी तो सबसे बड़े का नाम तो रघुचंद्र जी है। हाँ बदे बदे। हाँ तो क्या हम लोग मारते हैं इनका? प्रश्न है कि वो जातवाद से संबंधित है कि वो ये कह रहे हैं कि वो यादव बंधु के ठीक ठीक है। यादव वंशी सब ये जैनी ही थे, बाद में यादव वंशी क्षत्रिय होते थे। आज वर्तमान में आचार और विचारों की भिन्नता से बंटवारा हो गया है। नेमिनाथ भगवान जो हैं यदुवंशी थे, यदुवंशी जैन ही हुआ करते थे और नेमिनाथ के पिताजी 10 भाई थे पिताजी, उसमें ज्येष्ठ थे समुद्र विजय, और समुद्र विजय जो थे वो उनके पुत्र थे नेमिनाथ। 10 भाई वासुदेव वगैरह थे तो ये है, नेमिनाथ 10 भाई नहीं थे, नेमिनाथ के पिताजी 10 भाई थे। तो नेमिनाथ के पिताजी के 10 भाई और 2 बहनें थीं, तीर्थंकरों के कोई भाई पुत्र बहनें नहीं होती हैं ऐसा उसमें मानना। और यदुवंशी पहले सब ये जैनी लोग ही हुआ करते थे, धीरे धीरे सब परिवर्तित होता गया। ठीक है, कह रहा बलदेव के पुत्र को सब लोग यादव क्यों मानते फिर? वो यादव थे, यदुवंश था पहले, ये जातियां धर्म के नाम पर नहीं थी, सभी जातियां धर्म को स्वीकार करती थी, जाति थी नहीं, ये तो एक यदु नाम का राजा हुआ है, यदु नाम का तो वो राजा बन गए, रघु नाम का राजा हुआ रघुवंश बन गया, यदु नाम का राजा हुआ यदुवंश बन गया, हरि नाम का राजा हुआ हरिवंश बन गया, सोम राम का राजा हुआ सोम बन गए। तो ये राजाओं के नाम से वंश चल जाते थे, इनमें जातियों का कोई लेना देना नहीं। वर्तमान में उन वंशों का इतना विस्तार हुआ कि वे वंश एक जाति के रूप में परिवर्तित हो गए। ठीक है, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु बालाजी। ये तो बका हो गया कि सभी छत्री थे। माइक इधर रख दे, आप जिज्ञासा करें, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान मुकेश जी नेता। जगत पुत्र तो धारक मुनि श्री के चरणों में अनंतवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिस प्रकार मंत्रों में नवों का मंत्र का महत्व होता है, तीर्थों में सम्य शिखर जी का महत्व होता है, आचार्य परमेष्टि में संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी का महत्व होता है, उसी प्रकार मुनियों में जगत पूज निर्यापक मुनि पुंग श्री सुधा सागर महाराज जी का बहुत महत्व होता है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, यह जिज्ञासा मेरी नहीं है, किसी अन्य स्वाविका की है। उनकी इच्छा है महाराज जी की, उनको 2 प्रतिमा लेना है, लेकिन घर की कुछ प्रॉब्लम के कारण वो 2 प्रतिमा नहीं ले पा रही, क्योंकि उनका एक बेटा है तो वह आलू प्याज खाता है। तो 2 प्रतिमा के बाद महाराज जी तत्काल अनुमोदना से आलू प्याज की सब्जी बना सकते हैं कि नहीं? ऐसा ऐसा उनका नहीं, अन्य और भी महिलाओं का ये प्रश्न है। नहीं बना सकते, कदापि नहीं, अनुमोदना भी नहीं कर सकते, कृतकार्य अनुमोदना भी नहीं कर सकते। वो जाने उसका बालक जाने, वो नहीं वृत्ति नहीं करेगा ऐसा। वृत्ति लेने की भावना है, उसको भी नहीं करना चाहिए। जिज्ञासा करेंगे नमस्ते श्रीमान मुकेश जी नेता। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती चंदाबेन सुरेश जी अहमदाबाद। मेरे और मेरे परिवार के पूज आराध गुरुदेव के श्री चरणों में कोटसा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, पदों पर रहते हैं और अपने परिवार को छोड़कर काम करते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं कि उनके परिवार में कोई बीमार होता है, लेकिन वो समाज को समर्पित रहते हैं, और जब समाज के विकास की बात आती है तो वो अपने पद को भी त्याग देते हैं और क्षेत्र को पैसा भी देते हैं। तो महाराज जी, ऐसे लोगों को कौन सा पुण्य लगता है? धर्म कोई समाज से आधारित नहीं है। मैं मुनि बना हूं, इससे तुम्हारे से हमारा कोई लेना देना नहीं। मैं जो चरिया पालूंगा मुझे पुण्य मिलेगा। ऐसे लोग किसी पर एहसान नहीं कर रहे, स्वयं उनका धर्म है, आत्मा की पर्याय है। इसलिए जैसे घर के कार्य स्वयं करता है, उसमें समाज के धन्यवाद की अपेक्षा नहीं रखता, ऐसे ही धर्म के कार्य स्वयं करना चाहिए, समाज के धन्यवाद की अपेक्षा नहीं रखना चाहिए।
लोग हमेशा एक ही बात कहते, मैं धर्म में इतना करता हूँ मुझे कोई पूछता ही नहीं, मैं धर्म में इतना करता हूँ मुझे कोई आभार देते ही नहीं है। अरे भाई घर में तुम इतना करते हो, घर में क्यों कहते नहीं कहते कोई आभार देवे। जैसे तुम स्वयं का कार्य कितना कर लेते हो फिर भी किसी की अपेक्षा नहीं रखते क्योंकि वो कार्य स्वयं का है, ऐसे के धर्म के कार्य करने वालों को अपेक्षा नहीं रखना चाहिए कि कोई मेरा आभार मान रहा है कि नहीं मान रहा है, क्योंकि धर्म मेरा है, मेरी आत्मा का है, मेरा खुद का कल्याण हो रहा है तो कर रहा है। तो इसलिए हम इसको समाज और धर्म की अपेक्षा नहीं करेंगे, वो खुद अपना धर्म माने और समाज की अपेक्षा कर रहा है तो वो समाज की सेवा नहीं कर रहा है, वो नौकरी कर रहा है। एक धन के लिए नौकरी करता है, एक सम्मान के लिए नौकरी करता है, एक गरीब करता है नौकरी के लिए और एक कार्य करता है सम्मान के लिए कि मुझे सम्मान मिलेगा, मुझे प्रशंसा मिलेगी, मेरी जय जयकार मिलेगी, मेरा नाम होगा। तो ये सब नौकरों के भेद हैं, ये सब नौकरी कर रहे हैं कि मैं करूँगा तो ये नाम मिलेगा। करने वाला जो आत्मा का परिणाम होता है उसको कोई नहीं नकार सकता, आत्मा स्वयं जानती है और स्वयं का कार्य है, किसी से ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। अच्छे कार्यकर्ता उनका कहीं नाम भी न लिया जाए तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका नाम भी नहीं लिया कि इन्होंने कुछ किया कि नहीं किया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहते मैंने किया है अपना मान के किया है। और बाकी जो नाम के लिए करते मेरा नाम क्यों नहीं आया, मैंने किया था, समझ लेना उन्होंने कुछ किया नहीं है, नौकरी की है और नौकरी की उनको मजदूरी मिलेगी और कुछ मिलने वाला नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। इसके बाद हाँ अभी जब हमने कहा ना पहाड़िया जी कैसे जिनके नाम से कोई मतलब ही नहीं, उनको कोई नाम लेवे या नहीं लेवे उनको कोई पता, उनको कोई मतलब नहीं रहा, किसी ने हमारे लिए नाम नहीं दिया, मुझे पूछा नहीं, मेरी कोई इज्जत नहीं करते हो, मैंने ही सब कुछ किया, ऐसा उनको नहीं आता। मेरा नाम क्यों नहीं लिया गया यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं आता। और जो ऐसा कर रहे हैं वे मात मजदूरी लायक हैं, क्योंकि सब व्यक्ति एक ही चाहते हैं, सब अपना नाम, कोई ये नहीं देखना चाहते कि काम हो रहा है, कोई ये देखना काम हो मेरा नाम आना चाहिए या मेरे व्यक्ति का नाम आना चाहिए, मेरा व्यक्ति जिसको जिससे मोह है, चाहे वो परिवार का हो, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे मेरे व्यक्ति का नाम आना चाहिए, ये काम मैंने किया या मेरे व्यक्ति ने किया, ये दो बातें जहाँ आ जाती हैं समझ लेना चाहिए वो मजदूर है। ऐसे व्यक्तियों को कोई काम में आगे नहीं आना चाहिए और इनको आगे आने भी नहीं देना चाहिए, इनको ऐसा पीछे कर देना चाहिए कि जो नाम के लिए तुम कर रहे हो तो ये मजदूरों नौकरों का काम नहीं है, ये आत्मा का धर्म है तो आत्मा में ही रहना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान यशवंत जी सिंह सी सेंट्रल जीएसटी ऑफिस। हे महाराज जी अहमदाबाद से हमारे चारों का नमोस्तु नमोस्तु, हमारे परिवार वालों का नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री बच्चे यात्रा करते हैं घूमने के लिए और दिखाने के लिए मालाएं फूल मालाएं पहनते हैं, ज्ञान मालाएं खूब बोलियां लेते हैं और धर्म के बिल्कुल विपरीत चलते हैं, इसमें हमारे पाप कर्म का उदय है या बच्चों के पाप कर्म का उदय है, ऐसा हम क्या करें को धर्म से जुड़े। सभी का उदय है, आज जब वो पाप में चलेगा तब क्षेत्र हो, यदि शुरू में ही छेद जाते तो आज ये प्रश्न नहीं करना पड़ता। जब वो बचपन में तुम्हारे हाथ में था तब तो ध्यान दिया नहीं, तब तो पाठशाला भेजा नहीं, अब वो इतनी सीमाएं लांग चुका है, अब तुम्हारी काबू में नहीं है, अपना कल्याण करो और उसको अपना जो करना है तो करने दो। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान यशवंत जी सिंघई और तैयार रहे श्रीमती सरोज जी मालथम। महाराज श्री एक जिज्ञासा ऑनलाइन प्राप्त हुई है, इनका कहना यह है कि कई तीर्थ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनमें कुछ पदाधिकारी हमेशा के लिए बैठे रहते हैं, अपना पद नहीं छोड़ते हैं, उनकी क्या गति होगी, और कुछ ऐसे जो हमारे महावीर पहाड़िया जी हैं ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना पद शहर से छोड़ दिया और अपना विकास के लिए, उनकी क्या गति होगी। काम करते हैं लेकिन पद नहीं छोड़ते, वे मर करके गणेता सांप बनते हैं, क्योंकि गणेता सांप जहां जन्म लेता है वो वहीं 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 मर जाता है। तो ये जितने गणेता सांप बने समझ लेना ये कहीं का चेटू पदाधिकारी है, जो पद पर बैठ गया अब हटने का नाम ही नहीं लेता है। ऐसा
उन्होंने सहर्ष अपने पद को छोड़ दिया कि क्षेत्र का विकास होना चाहिए। अरे उनको तो क्या, वो ऐसे राजा महाराजा होते हैं कि दुनिया वो किसी कोई वो नहीं चाहते कोई हमें पूछे, दुनिया उनको घर से बुला करके पूछती है, उनको सम्मान देती है। और उनके आते ही समाज में ये लगता है अवभाग्य है, अब ये व्यक्ति आ गया, अब कोई चिंता की बात नहीं है, ऐसा पुण्य का बंद होता है। ऐसे बात जी कैसे करें? नवोस्तु महाराज जी, नवोस्तु महाराज जी, मेरे परिवार के ओर से नवोस्तु त्रिवार। महाराज जी मेरा जिज्ञासा ये है, आदिनाथ भगवान मोक्ष जाने के पहले भरत जी को क्या सपना आया था? आदिनाथ के मोक्ष जाने के पहले मैंने तो भरत जी के स्वप्न का सुना नहीं, उनको 16 स्वप्नों के संबंध में जरूर आता है कि भरत चक्रवर्ती ने 16 स्वप्न देखे थे, लेकिन आदिनाथ के मोक्ष जाने के पहले ऐसा बात है तो ऐसा कोई नियत समय नहीं है, उनकी कोई नियत तारीख नहीं है कि आज मोक्ष होना है तो ये है। हाँ ये जरूर है कि भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान हो चुका था, भरत चक्रवर्ती 60,000 वर्ष की विजय प्राप्त कर चुके थे, उसके बाद उनको स्वप्न आया ये तो है, लेकिन वो स्वप्न कितने समय में आया ऐसा नहीं। और वो स्वप्न 16 स्वप्न हैं, कोई एक खास स्वप्न नहीं है जो मोक्ष का सूचक हो, ऐसा भी कोई स्वप्न नहीं है कि उनको आया हो कि अब आदिनाथ भगवान को कल मोक्ष हो जाएगा। जो 16 स्वप्न थे वो आगे आने वाले हुंडाव सर्पणी काल के दोष को बताने वाले थे, ऐसा। नमोस्तु महाराज जी, इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान। नमोस्तु महाराज जी, तैयार रहेंगे श्रीमान प्रसन्न जी सिंघई मेहरौनी। गुरुदेव, किसी प्रसिद्ध संत ने कहा है कि संसार में दुखों की जड़ भूतकाल एवं भविष्यकाल है, इसी से संबंधित मेरी जिज्ञासा है कि मुनिश्री ऐसे कुछ उपाय बताएं कि हम जैसे भूतपूर्व विवाह कैसे भूतकाल के भूत से पीछा छुड़ाकर अपने प्रेजेंट को कैसे प्लीजेंट बनाएं। ऐसा तो कोई नहीं कि भूत और भविष्यकाल की इच्छाएं जो हैं, अब इच्छाएं यदि अपन करते हैं तो संसार तो बढ़ेगा क्योंकि हमारी इच्छा है। अष्टपाहुर की गाथा का अनुवाद हमारे पूज्य श्री ने किया है, ना अतीत की स्मृति ना अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। यही कल्याण का, अतीत की स्मृति नहीं, अनागत की अपेक्षा नहीं, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। जो वर्तमान में भोगोपभोग की सामग्री है उनके मिलने पर उनकी उपेक्षा करता है, यही आसन्न भव्य की निशानी है। नमस्ते महाराज। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान प्रसन्न जी सिंघई मेहरौनी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मुझे अपनी पुरानी स्मृति याद आती है जब ललितपुर में नौ गजरथ चले थे आपके सानिध्य में, और उस समय पंच कल्याणक के जन्म महोत्सव के दिन में आपने कहा था कि संसार की माताएं अपने पुत्रों को लोरी सुलाकर सुनाती हैं, परंतु जिन धर्म जिन माता जिन वाणी अपने पुत्रों से कहती है कि बुद्धोषी शुद्धोषी निरंजना है, तो इसका क्या तात्पर्य है? शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी, पूज्यवर रविशरण आचार्य महाराज ने श्री पद्म पुराण के अंदर एक मंदालसा नाम की माता का उल्लेख किया है। जो मंदालसा माता अपने बेटे को जन्म देते ही दिगंबर अवस्था में रहती थी, तो उससे कहते थे, हे बेटा, आज मैं तेरी दिगंबर अवस्था नग्न अवस्था देख रही हूँ, बड़े होने के बाद भी तू ऐसा ही वीतरागी बनकर देखूँ तो मेरा औभाग्य है। और वो बचपन में बच्चे को नग्न देखकर मुनि मुद्रा देखती थी, मुनि की कल्पना करती थी, यथाजात मुद्रा, तेरी यही मुद्रा सदा बनी रहे। और ऐसा करके उनके 6 पुत्रों को उन्होंने मुनि मार्ग में दिखाया। कुंदकुंद भगवान के संबंध में भी यही आता है, मंदालसा ने उनकी लोरी इसी प्रकार के उनके संस्कृत में श्लोक बनाए गए हैं, 8-10 श्लोकों में वो अपने बेटों को लोरी सुनाती थी। यानी शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी, तू संसार में आया है मनुष्य पर्याय में, अशुद्ध मत होना, तू शुद्धोषी, तू शुद्ध है शुद्ध हो, बुद्धोषी तू बुद्ध है बुद्ध हो,
निरंजनोशी तू कलंक से रहत है, कलंक रहत हो, ऐसी भावना भा करके बच्चे को पालने में सुलाती थी, ऐसा उल्लेख। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे हमारे निर्माण समिति प्रमुख श्रीमान सीलचंद जी अनोरा दाऊ। नहीं अब थोड़ा रुक जाए सीलचंद जी, वो ही कर रहे क्या? हाँ मेरे गुरुवार निरापाक मुनि पोंगा श्री सदासा महाराज को कोटसा नवोस्तो नवोस्तो नवोस्तो। गुरुवार आपने आसपास के राजस्थान के सभी क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र बना दिया है। हे गुरुवार हमारी जिज्ञासा है कि हम सभी शेरोन क्षेत्र के पदाधिकारियों ने आपके समर्पित किया है, हे गुरुवार इसको भी आप अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की घोषणा करें। नवोस्तो नवोस्तो नवोस्तो। अंतर्राष्ट्रीय बनाने का अर्थ मेरा यही था कि हमारे आशीर्वाद से हमारे भक्त जिस क्षेत्र की सेवा करें वे मरकर गणेता सांप न बने, क्योंकि मुझे दुख होगा कि हमारा भक्त गणेता सांप बना और तीर्थ की इतने साल सेवा की फिर भी मरकर गणेता सांप बना। इसलिए मैंने सोचा कि ये क्षेत्रों को सीमित मत करो, एक मंदिर होता है और एक तीर्थ होता है। मंदिर व्यक्ति की समस्याओं के समाधान के लिए बनाया जाता है, चार लोग अपने लिए मंदिर बनाते हैं, तीर्थ अपने लिए नहीं बनता है, तीर्थ सारे जगत के लिए बनाया जाता है। तो जितने तीर्थ हैं उनमें सीमा नहीं होना चाहिए, असीम होना चाहिए। कोई व्यक्ति उसमें आकर के, हर व्यक्ति को आने का अधिकार होना चाहिए, हर व्यक्ति उसको माने कि अपना है, कर्तव्य ही नहीं। लोग कई लोग कहते हैं कर्तव्य क्या है हमारा समाज का, देखो फलाना क्षेत्र वो उजड़ रहा है, समाज का क्या कर्तव्य है? मैंने कि है कर्तव्य, मैंने कि तुम्हारा समाज को क्या अधिकार? बोले अधिकार तुम्हारा मेरा है। कई क्षेत्रों को आचार्य श्री ने छोड़ दिया, बुंदेलखंड में भी कई क्षेत्रों को आचार्य श्री ने पहले बहुत प्रोत्साहन दिया, बहुत प्रोत्साहन दिया, कई चतुर्मास भी किए। बाद में पता चला कि ये दान तो सबसे चाहते हैं लेकिन अधिकार में गणेता साहब बन के स्वयं बैठना चाहते, स्वयं उसमें बनना चाहते। आज उन क्षेत्रों पे आचार्य श्री आँख उठा के देखते भी नहीं, क्योंकि उनमें अधिकार दे ही नहीं रहे, वो अधिकार तो अपने समेट के नहीं, अधिकार तो हमारा ही रहेगा, हमारे ग्रुप का रहेगा। तो आचार्य श्री ऐसे क्षेत्रों को छोड़ दिया, बहुत सारे क्षेत्र, कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें महाराज जी ने सबसे पहले जाकर प्रोत्साहन दिया लेकिन आज वो व्यक्तिगत अधिकार में होने से वहाँ नहीं कहा। उन क्षेत्रों पे है जहाँ सबको अधिकार दिए जाते हैं, सबके लिए खोले जाते हैं और होना ही चाहिए। क्षेत्रों को संहिता हो, क्षेत्रों की आचार संहिता हो, आमना हो, लेकिन अधिकार जो सामना को मानता हो वह अधिकार होना चाहिए। राजस्थान में तो प्रायः हमने जितने क्षेत्र बनाए किसी क्षेत्र में शायद ही कोई सीमा है, कोई एकाध हो तो पता नहीं, बहुतायत जो क्षेत्र हैं सबको असीम किया है। मैंने पहले ही कह दिया मंदिर बनाना हो तो आप लोग अधिकार अपने सीमित में रखो, क्षेत्र बनाना हो, आज ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र का सबसे बड़ा विकास का मूल कारण है कि वो सारे भारतवर्ष का है, उसमें कोई जाति भेद नहीं, खंडेलवाल जयसवाल पोरवाल पल्लीवाल परवार गोलापुरा गोला लारे गोल सिंगारे आदि कोई हाँ, ये कोई भेद नहीं है, जो चाहे बन सकता, बस दिगंबर जैन होना चाहिए और वहां की जो कुंद कुंद मूल आमना है उस आमना को मानने वाला होना चाहिए। माने कि कोई सीमा मत रखो, ना अजमेर जिले की करो ना राजस्थान की करो, सारे भारत का कोई भी अंतर जाति भेद नहीं है, बस मानने वाला होना चाहिए दिगंबर जैन, बस सबके लिए अधिकार है, कोई भी जाकर के वहां बन सकता। आज सांगरे संस्थान देखो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है, वो जयपुर की कोई बपोती नहीं है, जयपुर की कोई बपोती, इतना बड़ा जयपुर है लेकिन संस्थान किसका है? आप देख लीजिए संस्थान अभी वहां के अध्यक्ष कहाँ के हैं? दिल्ली के एस के जनता कार्य अध्यक्ष महावीर प्रमोद पहाड़िया, कोषाध्यक्ष ऋषभ जैन अग्रवाल, ना वहाँ खंडेलवाल है
अब ये अध्यक्ष खंडेलवाल है, कोषाध्यक्ष अग्रवाल है, और भी दूसरे बनते हैं, कोई भेदभाव नहीं है संस्थान में और कोई तीर्थ क्षेत्र पर नहीं है। मैं जिस तीर्थ क्षेत्र के लिए आशीर्वाद दिया उन तीर्थ क्षेत्रों पर कोई जाति भेद नहीं है, उपजाति भेद नहीं है, मात्र है शुद्ध दिगंबर जैन होना चाहिए और कुंद कुंद की आमना होना चाहिए। आओ, बस यही मैं सब चाहता हूं। और ये आवाज सबसे पहले बुंदेलखंड में दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र धुबन जी वालों ने सुनी थी और आमा में 400 लोगों ने जाकर के उसे घोषित किया था, वहीं से वो क्षेत्र बनाया था। अभी कुछ दिन पहले देवगढ़ तीर्थ क्षेत्र ने भी ये समर्पण दिखाया कि देवगढ़ तीर्थ क्षेत्र जो है वह अंतर्राष्ट्रीय घोषित किया गया। अब बहुत दिनों के बाद सिरोंजी क्षेत्र चेता है, बहुत देर से था, बहुत देर हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को ठिकाने लग जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, उसे झूला कहते हैं। लेट हो गया लेकिन बहुत अच्छी तरह से पूरे सिरोंज का, पूरा आसपास का, मय ललितपुर के सभी लोग सिरोंजी वाले बहुत अच्छी तरह से एक महीने पहले भी आए। और मैं थोड़ा टालने में माहिर हूँ, इसलिए टालता हूँ कि देखो इनकी परीक्षा करो कितने हैं, परीक्षा है, कहीं किसी के बहकावे में आए हों, लोभ में आए हों तो हम कहते हाथ देखेंगे, फिर दोबारा आए, फिर दोबारा आए, अभी तो श्राद्धों में कम से कम 3 बार आ गए, तो हम कहते थोड़ी साता रखो, कराए दिन चल रहे हैं। तो जैसे जैसे आज का समय निश्चित हुआ, अब सिरोंज क्षेत्र से जो कोई भी संपर्क रखते हैं, जो भी संपर्क रखते हैं वो सब लोग एक हो जाओ, जिनको सिरोंज क्षेत्रों के प्रति लगाव है, समर्पण है, अब उनको एक मौका दिया जा रहा है। सारे भारत में जो सिरोंज क्षेत्र के आसपास के लोग कहीं भी हों और जो भी भारतवर्ष के लिए, आज सिरोंज क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय घोषित किया जाता है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। कोई सीमा नहीं होगी। दिगंबर जैन कुंद कुंद मूल आमनानुसार विधान अनुसार उसका विधान भी तैयार हो चुका है, उसके अनुसार जो भी सदस्य बनना चाहे सब बन सकता है, बस फोकटियों को कोई स्थान नहीं है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। दुनिया के पास पापों के लिए पैसा है, दुनिया भर को घूमने को पैसा है, लेकिन धर्म कार्य के लिए पैसा नहीं होता। धर्म कार्यों में आएगा तो कोई पैसा नहीं होगा। दुनिया में क्लब के सदस्य बन जाएंगे लेकिन तीर्थ क्षेत्र के सदस्य नहीं बनते, तो ये ठीक नहीं है। अब यहां पर सबसे पहले जो अपनी प्राचीन परंपरा है, क्योंकि सब लोग मेरे मुख से कहलवाना चाहते, तो मैं कह रहा हूं पहले सिरोंज क्षेत्र के लिए नामकरण कर दें। जरूर साहब, नामकरण करिए साहब। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन सतोदय तीर्थ क्षेत्र। जय हो, जय हो। सतोदय यानी इतनी परिस्थितियों के बाद भी आज भी वो अपना सत बनाए हुए है। सतोदय सत्य द्रव्य का लक्षण है, वस्तु स्वरूप का लक्षण है, सत द्रव्य लक्षणम, ऐसे सत का, ऐसे अस्तित्व को उदय करने वाला सतोदय तीर्थ क्षेत्र श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन सतोदय अधिशय तीर्थ क्षेत्र सिरोंजी ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश। बोलो अतिशय तीर्थ क्षेत्र सतोदय तीर्थ क्षेत्र की। अब इसके लिए एक पहला व्यक्ति चाहिए, महामहिम तीर्थ का, महामहिम तीर्थ का प्रथम नागरिक, तीर्थ का प्रथम जो कहना चाहिए इस पूरे क्षेत्र को पूरी हुकूमत के साथ संभालने वाला, जैसे राज्यपाल राष्ट्रपति देश के महामहिम होते हैं, ये क्षेत्र के महामहिम बनाने की बात है, तो एक कोई ऐसा हो तो महामहिम सदा अध्यक्ष से ऊपर रहेगा, अध्यक्ष तो नहीं रहेगा लेकिन अध्यक्ष से ऊपर रहेगा।
और वो जब भी उपस्थित होगा वो मीटिंग की अध्यक्षता वही करेगा, उपस्थित होगा। नहीं उपस्थित होगा तो अध्यक्ष तो करते ही, लेकिन यदि वो उपस्थित है तो उस दिन की वो अध्यक्षता वो करेगा और जीवन भर वो उस कार्यकारिणी का पदेन सदस्य होगा। लेटर पैड पर सबसे ऊपर उसका नाम होगा। जब भी कोई पंपलेट आदि छपेगा, जहाँ कमेटियों के अध्यक्ष के नाम छपेंगे सबसे पहले उसका छपेगा, क्योंकि वो महामहिम है। तो महामहिम कोई हो, सिरोन का प्यारा, सिरोन का लाडला, सिरोन जिसे प्राणों से प्यारा हो, धन से भी ज्यादा प्यारा सिरोन जी सत्वोदय तीर्थ क्षेत्र हो तो वो आ सकता है, उसकी नियमावली बांध है। सत्वोदय तीर्थ क्षेत्र के महामहिम सर्वोच्च पद पर जो भी महानुभाव अपनी स्वीकृति देना चाहते हैं उनके लिए 101 कलश की राशि निर्धारित की गई है और यह राशि 5 वर्षों में देय होगी। प्रथम किस्त आपको अभी जमा करनी होगी और उसके बाद 4 किस्तों में 5 वर्षों में आप इसकी राशि को जमा करा सकते हैं। आपने लेट शुरू किया, टाइम हो रहा है। हाँ, पर दूसरा लक्षण है परम शिरोमणि संरक्षक। परम शिरोमणि संरक्षक मैंने कहा था जल्दी शुरू करना। कितना टाइम है? 5 मिनट है? अभी तो 5 मिनट। हाँ, तो अब तीसरा नाम है, दूसरा नाम परम शिरोमणि। सबको टाइम देना था ना, 2-2 मिनट। अब दूसरा नाम है परम शिरोमणि संरक्षक। जो भी लेटर पैड पर उसका नाम आएगा जीवन भर, क्योंकि ये इज्जत वाले लोग होते हैं जो चुनाव के चक्कर में नहीं पड़ते। मैंने देखा कि अच्छे लोग चुनाव नहीं लड़ते। वो कहते महाराज मैं कौन चुनाव में चक्कर में पड़े, राजनीति है आजकल। तो मैंने कहा नहीं, अच्छे लोग तो सब बाहर हो जाएंगे। तो मैंने एक रास्ता निकाला कि जो इज्जत वाले अच्छे लोग हैं उनको चुनाव के चक्कर में पाड़ने ही नहीं, पूरे जीवन काल में बिना चुने वो कार्यकारिणी के सदस्य रहेंगे जीवन लाभ। चाहे कांग्रेस आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे समाजवादी आए, वो तो सदा विधायक रहेंगे, पदेन कार्यकारिणी के सदस्य रहेंगे। ऐसा दूसरा परम शिरोमणि संरक्षक। परम शिरोमणि संरक्षक के लिए मात्र 21 कलश की राशि निर्धारित की गई है, जो ये राशि भी 5 किस्तों में आपको देय होगी। आपके पास जो लिस्ट है वो दे दे, जो आ रहे नाम जी है। महामहिम है कोई? चलो शुरू, परम शिरोमणि, परम शिरोमणि 21 कलश की राशि। कोई भी महानुभाव यदि इस रूप में अपने क्षेत्र से जुड़ना चाहे क्षेत्र के विकास में, कितने नाम आ जाए बोलो, फिर कल बोलना। मेरा श्री जिनवाणी चैनल ने 10 मिनट का समय बढ़ाया है कि क्षेत्र का विकास होना चाहिए। 5 मिनट, चलो जल्दी करें। कोई है परम शिरोमणि संरक्षक 21 कलश की राशि के लिए यदि कोई महानुभाव अपनी स्वीकृति देना चाहे तो शीघ्रता से आए और पूज्य मुनि श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। उसमें है? नहीं। चलो दूसरा शिरोमणि संरक्षक, टाइम का ध्यान रखो। शिरोमणि संरक्षक 11 कलश की राशि, ये राशि भी 5 किस्तों में देय होगी। आजीवन कार्यकारिणी के पदेन सदस्य भी रहेंगे। इसमें कुछ नाम यहाँ पर प्राप्त हुए महाराज श्री, श्रीमान अरविंद कुमार जी, सौरभ कुमार जी, गौरव कुमार जी, वैभव जी, समस्त बड़ौदा वाले परिवार यहाँ पर उपस्थित हैं। आगे आकर के पूज्य मुनि श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। दूसरा श्रीमान संजीव कुमार जी, सतीश जी, बंटी बजाज, राहुल जी, चयन जी, पवित्र जी, आनंद बजाज परिवार जोरदार करतल ध्वनि से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे। और तीसरा श्रीमती सुशीला बाई जी, इंजीनियर अरुण जी, अनिल जी, BSR नागपुर, अजय जी, आनंद जी, इंजीनियर पीयूष जी, अंबर जी, समस्त साइकिल वाले परिवार, 3 परिवार इन्होंने अपनी स्वीकृति शिरोमणि संरक्षक के रूप में 11 कलश की राशि में प्रदान की है। अब आगे बनते रहना। परम संरक्षक, परम संरक्षक के लिए 5 कलश की राशि निर्धारित की गई है, यह राशि भी 5 वर्षों में देय होगी। वेदिगंबर जैन धर्मानुयायी जो संस्था के कोष में 5 कलश की राशि प्रथम किस्त के रूप में 1 कलश और शेष वर्षों में प्रतिवर्ष 1-1 कलश रुपए देय होगा। आजीवन कार्यकारिणी के पदेन सदस्य रहेंगे और यदि 5 संख्या इनकी रहती है तो इनको पदेन सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा। 5 से अधिक होगी तो चयन समिति 5 लोगों को पदेन सदस्य के रूप में स्वीकार करेगी।
अब अंतम ये तो ए बी सी क्वालिटी हो गई। अब जो बिल्कुल मध्यम वर्ग वाले हैं या कहने के सी क्वालिटी के लोग हैं वो भी छेद से जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल सरल रूप है, जैसे ये आजीवन रहेगा, हर साल नहीं देना है, एक बार ही देना है, और तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारा बेटा भी 25% इसको रिन्यू कराने की फीस देगा और वो तुम्हारे पद पर आ जाएगा। हाँ, तो उसके लिए भी छूट है, यानी हमेशा के लिए जब तक सीरोन रहेगा तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी वो मिल रही है। तो मैं समझता हूँ कि इस पूरे ललितपुर में सीरोन क्षेत्र को भी खूब लोग चाहते हैं, तो हर व्यक्ति के घर घर जा कर के घर घर में ये आवाज़ होना चाहिए। और सीरोन क्षेत्र के आसपास भी बहुत बड़े गांव हैं, उन गांव से भी सब जुड़ सकते हैं, उसका नाम है संरक्षक। संरक्षक सदस्य के लिए मात्र एक कलश की राशि निर्धारित की गई है, इसमें महाराजश्री बहुत सारे नाम प्राप्त हुए हैं, सभी लोग जो भी संरक्षक सदस्य बनना चाहें वो एक साथ यहाँ पर आ जाएं। देखो ये चीज बहुत बड़ी है, जो ट्रस्टी बना रहे ना ये आजीवन है, कार्यकारिणी तो 5 साल में आई और चली गई, ये जिंदगी में कभी हटने वाले नहीं, ये मालिक कहलाते हैं, ये वोटर कहलाते हैं, साल भर में एक बार कार्यकारिणी को भंग करने का अधिकार इनको होगा। ये लोग जो ट्रस्टी बनाएगा ये कार्यकारिणी कभी भी भंग कर करके नहीं बना सकते, बहुत बड़ा अधिकार। और साधारण सभा इतनी बड़ी होती है कि इसके प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट भी नहीं नकार सकता, सुप्रीम कोर्ट भी कोई निर्णय देगा तो इसी साधारण सभा के निर्णय पर देगा। इसलिए ये सब लोगों अब सिरोन के विकास का समय आ गया है, सब लोग अपनी भावनाएं करें, आगे लाएं, और परिवार में 10 लोग हैं तो 10ों बनो, कोई एक नहीं, जरूरी नहीं कि एक बन गया, 10 हैं 10ों बनो, अपने रिश्तेदारों को बनाओ, अपने रिश्तेदार हों, कुंवर साहब हों, जो कुछ भी हैं, सब लोगों को ये अभियान तुम्हारे लिए बहुत जल्दी जल्दी यानी कहना चाहिए 15-20 दिन के अंदर अंदर ये सिरोन का अभियान चलना चाहिए, फिर 15-20 दिन के बाद अपन इसकी आगे व्यवस्था बनाएंगे, विधान भी बन चुका है, जब तक इनका आगे कार्यवाही करेंगे। संरक्षक सदस्य के लिए जो नाम प्राप्त हुए, श्रीमान अजय जी, सारिका जी, अध्यक्ष जखोरा समाज, श्रीमती मुन्नी देवी जी, श्रीमान मुकेश जी, कीर्ति जी, इंजीनियर यश जी, अर्चित जी, LIC समस्त परिवार, श्रीमान कोमलचंद जी, अजय कुमार जी, समस्त मड़वारी परिवार, श्रीमान सुधीर कुमार जी, समस्त तुवन टीला परिवार, श्रीमान जिनेश जी, जखोरा वाले परिवार, श्रीमान राजेन जी, जिनेन जी, समस्त थनवारा ऑडिटर जैन, सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत ललितपुर, एक नाम पढ़ो जल्दी, श्रीमान सुरेश चंद जी, दलवारा परिवार, श्रीमान कोमल चंद जी, राजीव जी, समस्त रोणा वाले परिवार, श्रीमान सिंघई धन्य कुमार जी, एडवोकेट अमित जी, समस्त सैदपुर परिवार, श्रीमान आलोक जी खजुरिया, अर्चना जी आकर जी, समस्त खजुरिया वाले परिवार। 5 कलश की राशि से परम संरक्षक पद के लिए एक नाम प्राप्त हुआ, श्रीमान विजय कुमार जी, नितिन जी, श्रीमती किरण जी, ऋचा जी, समस्त सिंघई परिवार लागौन वाले, श्रीमान नेमी चंद जी लागौन वाले परिवार। अब जो अभी कार्यकारिणी काम कर रही है ये अपना संपर्क चालू रखें, 15-20 दिन के अंदर कम से कम 108 से ऊपर पहुंचना चाहिए। और जो भी महानुभाव किसी भी रूप में ये जो 5 वन्य पद रखे हैं, महामहिम, परम शिरोमणि, शिरोमणि, परम संरक्षक और पर संरक्षक सदस्य, किसी भी रूप में सिरोंजी क्षेत्र, सतोदय तीर्थ क्षेत्र के रूप में इसके विकास में सहभागी बनना चाहें तो अपने नाम यहाँ पर हमारे पास तक पहुँचा दें, आगामी दिनों में उनके नाम की घोषणा यहाँ पर कर दी जाएगी। आज अभी एक दूसरे क्षेत्र की भी मीटिंग हुई है, वो आने वाला है कुछ दिन बाद, महरौनी क्षेत्र का। अब खरबूजों को देखे, खरबूजा रंग बदल रहे हैं धीरे धीरे, देखो जितने बदलेंगे वो सब पके हुए माने जाएंगे और नहीं बदल पाएंगे तो कच्चे सड़ जाएंगे, इसलिए आएंगे। अब देखें उनके भी, अभी आज पहली मीटिंग थी, उसके बाद क्या होता है वो आगे बताया जाए। महाराज जी, जब पड़ोसी में बहुत अच्छा मकान बन जाता है ना तो सबको ऐसा लगता है कि हमारा मकान छोटा है, अच्छा नहीं है, हमें भी ऐसा ही बनाना है, तो सभी क्षेत्रों का भी यही मन है कि जब अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र इतना सुंदर हो गया तो फिर सारे तीर्थ क्षेत्र ऐसे ही विकास को प्राप्त हों। महाराज श्री, एक देवोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए
राशि प्राप्त हुई घोषणा, श्रीमान बाबूलाल जी, सीलचंद जी, चक्रेश कुमार जी, धनगोल वाले परिवार, आज आपको पूज्य गुरुवर की आहारचर्या कराने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और इन्होंने देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ के लिए संरक्षक सदस्य के रूप में एक कलश की राशि प्रदान की है और आज की आरती करने का भी सौभाग्य इसी परिवार को प्राप्त हुआ है। और आज से अब दोनों क्षेत्रों की घोषणाएं होंगी, 5 मिनट इन दोनों क्षेत्रों को दिया जाएगा घोषणाओं के लिए, देवोदय तीर्थ क्षेत्र और शतोदय तीर्थ क्षेत्र। एक और घोषणा यहाँ पर आई है, इन्होंने भक्ति कलश में अपनी राशि जमा कराई थी लेकिन इनका मन है कि हमें भक्ति कलश नहीं सर्वोदय कलश में अपने नाम को प्रमोट कराना है। श्रीमती शशि रानी जी, श्रीमान संजय जी, निशान जी, शशांक जी, संजय कास्ट उद्योग रहली पटनागंज से, गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य श्रीमान बाबूलाल जी, सीलचंद जी, चक्रेश कुमार जी, समस्त धनगोल परिवार को प्राप्त हुआ है। आप आए सतोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए एक और नाम प्राप्त हुआ, श्रीमान निहाल चंद जी, राकेश जी, किरण जी, प्रखर जी, प्रतीक जी, समस्त सतभैया परिवार, जोरदार करतल ध्वनि से ऐसे महान भावों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे। और भी कल कर देंगे, अभी लाइव खत्म हो गई, कल कर देना कोई बात, हाँ लिस्ट बना लो, कल कर आरती। सतोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए श्रीमान सोमचंद जी, संजीव जी, राजीव जी, समस्त लकी बुक डिपो परिवार, आपकी तरफ से भी संरक्षक पद के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई है। धनगोल वाले परिवार आगे आ जाएंगे। आरती प्ले कर दें। पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य यदि कोई और महानुभाव अर्जित करना चाहे तो मात्र 5100 रुपए की राशि निर्धारित है। हमारे श्रमण संस्कृति के पहाड़िया, आदरणीय पहाड़िया जी, आप आइए गुरुवर की आरती में सम्मिलित हों। Thank you.
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र स्टेशन रोड सिविल लाइन ललितपुर उत्तर प्रदेश, प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा पूर्व पार्षद 9889888555, प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन वरिष्ठ पार्षद 9450037469, अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड ललितपुर उत्तर प्रदेश, अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल 9415112333, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया 9415094598, सीनियर मैनेजर सरत कुमार जैन मलया 7080732808।